सभी का स्वागत करते हैं चैनल पर एक बार फिर से। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा खुशखबरी की बात है फ्रेंड्स कि आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होने जा रही है। कब से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे, ऑफिशियल नोटिस यहाँ पर आ चुका है। तो चलिए पहले वीडियो को शुरू कर लेते हैं आपके छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसलिंग 2023 के लिए। जैसा कि फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद में यहाँ पर नोटिस रिलीज़ किए गए हैं। 11 बजे के आसपास नोटिस रिलीज़ हुए हैं। तो उसके बाद में ये नोटिस आपका कल शाम को हुआ था, जिसमें कुछ नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम और मिनिमम क्राइटेरिया बताए हैं एज के लिए, आप कितनी एज तक हो सकते हैं यहाँ पर फॉर्म भरने के लिए नर्सिंग के लिए। इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं था, ठीक है, तो वो तो सभी को पता होता है। तो अब देखिए यहाँ पर जो नोटिस है ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, दोनों नोटिस जो कि आपको डाउनलोड कर लेना है। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और चलिए पहले अपना ये वाला नोटिस थोड़ा सा ओपन करके देखते हैं। तो इसको मोर पर क्लिक करने के बाद में आपको नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जो आप अटैचमेंट का यहाँ पर सिंबल देख रहे हैं, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद में नेक्स्ट पेज ओपन होगा, क्रोम से ही इसको ओपन कर लेंगे। ओपन होने के बाद ये आपका ऑनलाइन तरीके से ही ओपन हो जाएगा। तो आप जैसे कि देख सकते हैं आपके ऑनलाइन आवेदन शुल्क जो रहने वाली है इसके विषय में आपको यहाँ पर बताया गया है। आपकी नर्सिंग की काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी वो भी अभी बताएंगे, ठीक है। वर्ष 2023 में प्रदेश के शासकीय एवं निजी नर्सिंग महाविद्यालयों में संचालित बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम यानी ये आपका बीएससी नर्सिंग इंग्लिश में दे रखा है, में प्रवेश की इच्छुक अभ्यर्थी जो आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, जो इच्छुक हैं, जो चाहते हैं कि रजिस्ट्रेशन करवाएं, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपको कराना होगा। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो भी बता देंगे। अभी फ़ीस यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो यूआर के लिए और ओबीसी के लिए आपके 1000 रुपये लगने वाले हैं, ठीक है, आपको 1000 रुपये करना पड़ेगा। और उसके बाद एससी के लिए और एसटी के लिए आपको 500 रुपये सबमिट करना होगा, ठीक है। तो ये रहा आपका ऑनलाइन आवेदन शुल्क। उसके बाद में ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि होने पर, ठीक है, आपका अगर एरर है, अगर कोई त्रुटि है तो उसमें एरर एडिट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर 100 रुपये, ठीक है, आपको पेमेंट करना पड़ेगा अपने आवेदन की अंतिम तिथि तक, ये ध्यान रखें। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होंगे आपके यहाँ से 28 से लेकर के, ठीक है। उसके बाद ऑफलाइन होंगे, ठीक है, जो मतलब ऑफ हो जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन की जो अंतिम तिथि होगी वो आपकी 24 रहने वाली है। तो ये आपका शेड्यूल है, और जो आप डेट देख रहे हैं उसके साथ में आपको टाइमिंग भी दी गई है। दोपहर के 2 बजे से आप स्टार्ट कर पाएंगे और शाम के 5 बजे तक आपके आवेदन होने वाले हैं, ठीक है। अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको करा देना है आवेदन। कहाँ पर? आपको ये www.cgdme.in पर जाकर के अपने ऑनलाइन आवेदन करवाएंगे, जिसमें कि आपकी आरंभ तिथि यानी कि स्टार्टिंग ऑफ डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपकी यहाँ पर 18 रहने वाली है, और आपकी एंडिंग डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन यहाँ पर 24/8/2023 शाम के 5 बजे तक रहने वाली है, 5 o'clock तक। तो चलिए अभी के लिए इतना ही इस वाली नोटिस में, ज़्यादा मेन है तो अभी यहाँ पर सब कुछ वो क्राइटेरिया बता दिया है कि आप चॉइस फिलिंग करेंगे। उसके बाद में अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, सॉरी यहाँ पर जो अगर एडिट करना चाहते हैं यानी कि आपका एरर है तो 1000 रुपये आपको यहाँ पर देना होगा, ठीक है। तो चलिए ये वाला नोटिस तो हमने देख ही लिया, तो नोटिस हमारा पहला वाला जो अभी दिखा रहे थे हम उसको भी देख लेते हैं। तो उसमें आपकी सारिणी दी गई है, तो फर्स्ट वाला नोटिस हमने इसको डाउनलोड कर लेंगे सिंपली। अटैचमेंट पर आपका यहाँ पर हो गया, क्रोम पर ही ओपन कर लेंगे सीधे सीधे। और ये इस तरीके से आपका फाइनल, जो अभी आप सोच रहे थे कब से आपकी स्टार्टिंग है, तो ये आपका शेड्यूल है जैसे कि आप देख सकते हो, बीएससी नर्सिंग के लिए, एमएससी नर्सिंग, पीवी बीएससी नर्सिंग, और आपकी ये डेट है, ठीक है। तो ये आपका डीपीएन के लिए है। तो यहाँ पर आपके जो फेजेस में होने वाली है ये सारे फेजेस आपको दे रखे हैं, जैसे कि आप देख रहे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपके होंगे, आपके कब से 18 से 24 तक सभी लोगों के यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होंगे, ठीक है। मेरिट लिस्ट एंड उसके बाद में फर्स्ट अलॉटमेंट आपका आ जाएगा कब से, 25 से 27 के बीच तक। उसके बाद में यहाँ पर स्कूटनी एडमिशन प्रोसेस फॉर स्कूटनी फिट कैंडिडेट, ठीक है, इसके लिए आप यहाँ पर 28 से 31/8 के बीच में संपर्क करेंगे। उसके बाद में जो जो यहाँ पर क्राइटेरिया देख रखे हैं अपने हिसाब से आप फ्रेंड समझ लीजिएगा, ठीक है। मॉपअप के लिए चालू हो जाएगी, फिर चॉइस फिलिंग आपकी 13 से 15/9 तक। तो ये सारी चीज़ें आपको खुद से देखना है कि आप मॉपअप में ट्राई कर रहे हैं या फर्स्ट में ही आप ट्राई कर रहे हैं। सो ये दोनों नोटिस ही जो कि इम्पॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिए हैं, टेलीग्राम पर मैं इसको अपलोड कर दूँगी दोनों नोटिस के, ये जो भी यहाँ पर क्राइटेरिया रहे हैं। तो सभी लोग अभी जल्दी से अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, और बेल आइकन ज़रूर दबा देना, सब्सक्राइब करने के बाद में कोई भी नोटिफिकेशन आएगा, कोई भी अपडेट आती है तो जल्दी से आपके साथ में शेयर कर सकें।
तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स, और सभी लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। टाइमिंग मैंने बताई दी है, डेट आपकी क्या रहेगी, सारा शेड्यूल मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूँगी। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स।